एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक तरह से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो भूखे थे, सो भूख से रोए जा रहे थे। अम्मा अम्मा कुछ खाने को दो ना, अम्मा बड़ी भूख लगी है, अम्मा कुछ दो ना, बच्चे अपनी माँ जानकी से कहते। कोई पत्थर दिल भी इस मंजर को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों ने यह मंजर देखा और उन्हें दया आ गई, सो उन्होंने उन्हें कुछ रूखा सूखा खाने को दे दिया। बड़े दिनों बाद दोनों आज पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था साहब, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह उधार लेकर वो इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता, लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह इधर उधर रोज काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे, आंखों में आंखें डालकर बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी थे थिला दो, बली भूत लगी है। अम्मा रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि अम्मा के पास कुछ भी नहीं है। एक पल को अजीब सा सन्नाटा पसर गया, फिर गुड्डू बोली, अम्मा ये गुड्डू कब मरेगा, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है, अम्मा ने डांटते हुए कहा। अम्मा जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डू की बातें सुनकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई, उनका शरीर सुन्न पड़ गया। ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम सब इसका आदर करना सीख नहीं सकते। चलिए हम प्रण करें कि हम अन्न का अपमान नहीं करेंगे, चलिए हम अन्न को बचाएं और इसे सच में ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनको इसकी ज़रूरत है। हमें इस प्रयास को करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके। हाथ में टच मोबाइल हो तो स्टेटस के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप सबके टच में हो या आपके लिए अच्छा होता है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।